दोस्तों आप सबका अपना गोल्डन भैया। यार मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट आप लोगों से, टाइम बिल्कुल नहीं होता हमारे पास यार। लेकिन क्या कहें यार, कुछ लोग हैं जिससे मैं ना चाह कर के भी मुझे मिलना पड़ता है। आप लोग मुझे अच्छा कहो बुरा कहो, वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। आप लोगों ने कई वीडियो मेरी देखी होंगी, एक दो वीडियो मैंने उनके साथ बनाई, एक बच्चा था जिसकी मैंने हेल्प की थी। बहुत बार उनका मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे लगा यार कि मुझे मिल लेना चाहिए उनसे, मैंने उन्हें फिर बुला लिया है। सो, मैं फ़ोन कर देता हूँ उनको। हेलो, हाँ जी, कहाँ हो आप? अच्छा, पहुँचने वाले हो? ठीक है, मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ मैं बैठा था। ठीक है, आप आ जाओ। ठीक, यार मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, मैं उनको किस तरीके से समझाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। होप सो वो समझ जाएं यार। हेलो, हेलो, हाय, कैसे हो? बैठ जाओ यार। कैसे हो आप? ठीक हो? कैसे हो यार? ठीक हो? आपको ये आप मिलने नहीं चाहते हो? इतना मतलब इतना प्रेशर किया वो, तब जाके आपने शादी छोड़ो, कम से कम मिलने को तो रो, मिल तो लिया करो। नाराज हो क्या उनसे? नहीं, आके मेरे से नाराज हो क्या? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास और भी काम होता है ना यार। आप बताओ, हम वो काम छोड़ दें अब? हाँ, छोड़ दो। अच्छा, हम जो काम करते हैं वो हम छोड़ दें? नहीं, हाँ। छोड़ो नहीं, ऐसे नहीं बोलो, छोड़ना नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के मिल ले। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, तो बताइए। अब बताओ। क्या बताऊँ, आप मिलना ही नहीं चाहते हो। अब यही है कि मैं लास्ट टाइम ही मिलने आई हूँ आपसे। मैं आपको इतनी बार फोन करती हूँ, आप फोन ही नहीं उठाते हो। मतलब एक अच्छा नहीं लगता ना, तो वो हर्ट होता है। मतलब कोई इंसान है आपको पसंद करता है, लेकिन आप कम से कम बात करना तो दूर की बात है, आप फोन भी नहीं उठाते। मेरी मम्मी को फोन क्यों नहीं उठाते? गंदी मेरी मम्मा। आपकी मम्मा गंदी नहीं, आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता है क्या है यार, मेरे पास इतना सारा काम होता है तो अपने मम्मी को इतना सारा काम छोड़ दो। इतना सारा काम छोड़ दो, कम काम करो। कम काम करूँ? अच्छा, ये बताओ, मैं कम काम करूँगा तो पैसा कैसे कमाऊँगा? आपको बड़े होके कमा के दूंगी। आप मुझे बड़े होके कमा के दोगे? देख लो कितना प्यार कर रहा है। तो, दो। लेकिन हमारे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आपके प्यार की वैल्यू है और हमेशा रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अब कैसे कहूँ यार, अपने मम्मी को बोलो ना कि हम बहुत बिजी रहते हैं, इनको समझना चाहिए ना। आपके मम्मी को यार नहीं समझना चाहिए? अच्छा, आपके मम्मी को समझना चाहिए कि नहीं? चाहिए चाहिए ना। हा? तो अपने मम्मी से बोलो कि भैया रोज रोज नहीं मिल पाएंगे, भैया के पास और भी सारा काम होता है। बोलो ना अपने मम्मी से। भैया के पास काम होता है। आई नो भैया के पास काम होता है, लेकिन जो लोग उनसे प्यार करते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। कोई बात नहीं, लास्ट है, मैं फाइनली बात करने आई। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, मैं सच बताऊं। आप मेरी मम्मा को हर्ट क्यों करते हो? भैया को हर्ट क्यों करते हो? मैं नहीं करती, ये करते हैं। अयान, आपको लगता है कि मैं आपकी मम्मी को हर्ट करता हूं? नहीं, आप मेरे से मिलने के नहीं आते। नाराज हो? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ ना, लेकिन हमारे पास काम हमारा बहुत है ना। मैं आपसे चलो महीने में एक बार मिलने आऊंगा, ठीक है? काम छोड़ दूंगा तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? खाना खाना पड़ता है ना मेरे को, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। वो ये चाहता है कि थोड़ा बहुत आप टाइम निकाल सकते हो ना, इतना याद करता है आपको। तो एक महीने में एक दिन आपसे मिलूं या अन चलेगा? फिर दूर हो जाते हैं आपसे, वो ज्यादा अच्छा है। दूर? जब दूर हो जाएंगे तो ना कोई फीलिंग होगी ना कोई बात होगी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको झूठी तसल्ली कैसे दे दूं, आप मुझे बताओ ना। लास्ट है, अब मैं आपसे कभी बोलूंगी नहीं मिलने के लिए कभी। क्यों? मुझे अगर नहीं मिलेगी तो
मार दूंगा। मार देगा। ये देखो ये फोर्स करता है मुझे बात। आप क्या मम्मी को फोर्स करते हो बताओ मुझे? दोनों को फोर्स करता। किस लिए? इसलिए मुझे दोनों अच्छे लगते हो। अब हमें बहुत अच्छे लगते हो, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन पता है ना, मेरे पास यहाँ बहुत सारा काम होता है। मैं आपसे महीने में एक बार मिलूं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? काम कैसे करेंगे आप बताओ ना। ठीक है, अब बात तो कर लो। हमने कभी आपसे मना किया बात करने के लिए? बात भी तो नहीं करते ना, इसलिए तो बात करने के लिए मना कर। बात करने के लिए आपको मम्मा नहीं करती, मैं करता हूँ। आपको कॉल ये करता, आप मुझे फोन करते हो? होता है ना, मम्मा बात करा दो, एक बार बात करा दो। अपने मम्मी को बोलो ना कि गोल्डन भैया बहुत बिजी रहते हैं। आपको पता है ना हम कितना बिजी रहते हैं ना? हाँ। तो आपके मम्मी तो बोल दो कि फिर हम आपसे अब नहीं मिलेंगे कभी। क्यों? बोलो तो एक बार, हम आपसे मिलेंगे। हाँ, वो बोल रहा है हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, फिर इससे मिलेगा ना, मैं नहीं आऊंगा। अकेले चले जाना, मैं नहीं। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा देख लो कितना प्यार करता है और आपको वैल्यू नहीं है। बोलो कि फाइनली बता दीजिए कि अब आगे कुछ होना है या हम स्टॉप कर देंगे। बोलो फाइनली कुछ है क्या? स्टॉप करते हैं हम यहीं पे स्टॉप करते हैं हम यहीं पे स्टॉप। फाइनल बता दीजिए कि मतलब आगे कंटिन्यू कुछ मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। फिर मैं आयान को, कोई बात नहीं, आयान को समझा लूँगी, कंट्रोल कर लूँगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती ना बार बार मिलने से क्या होता है ना कि मतलब एक दूसरे के मतलब ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। फिर मैं नहीं चाहती, मैं दूर ही रहना चाहती हूँ आपसे। बात यह है, आयान अपने मम्मी को बोलो कि हम दोस्त अच्छे हैं, दोस्ती अच्छी होती है ना आयान। हाँ, है ना। हाँ, चलो यार ठीक है, फिर हम चलते हैं। बाय करो, तो हम नहीं मिलेंगे इनसे कभी। ठीक है, चलो बाय करो, बाय, चलते हैं। चलो तो वो तो नहीं मिलते ना, आप क्या अकेले के मिलने से क्या होगा जब वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। मुझे मिलना है तो वो तो नहीं मिलना चाहते ना। कोई नहीं, मैं इसको समझाऊंगा, इससे मिलने पड़ेगा आपको। मिलो, करो, करो, ऐसे करो, बोलो, देख लो। अब क्या बात है, बोलो। हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहेंगे, अब भी हम कह रहे हैं। अच्छा, हम दोस्त अच्छे नहीं है यार। अच्छे तो हम दोस्ती रखते हैं ना। हाँ। मुझे नहीं रखते। दोस्ती अच्छी होती है। सही बोल रहा है वो, देखो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूंगा। झूठी तसल्ली नहीं देंगे, कितनी बहुत समझाया, नहीं देंगे। कोई बात, वहाँ पे कैमरा लगा रखा है मैंने, फिर वहाँ पे आप देखिए। कैमरा लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप हमेशा ही रिकॉर्ड करते हो, क्या बोलते हैं आप? मेरी बात को तो जवाब नहीं देते ना। मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। अपने मम्मी को बोलो भैया आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे कभी भी। और हमारा लाइफ में मैं कैसे बोलूँ, नहीं बोल सकता, आप खुद ही समझें। भैया आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे, कितनी बार समझ गई। अब आप मुझे मिल ले। हाँ। ये अच्छा है, ये कितनी बार सुना। गाइस, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इनको किस तरीके से समझाऊं। तो आप लोग यार समझाएं, हम क्या बताएं अब। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आप करते हो वैसे आप कर देना। आप सब कर गॉड भैया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया।
देखो ये कितना समझदार है ना। हाँ। आप तो नहीं समझ रहे हो। अब मैं कैसे समझूं यार, आप लोग खुद इनको समझाओ यार।